सो यहाँ पर एज यू नो दैट हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तेजस्विनी पॉलिटेक्निक में, और उसका ही एक नतीजा है कि वी आर फोकस्ड ऑन कोर्स आउटकम। तो जो भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसका कोर्स आउटकम आपको जानना जरूरी है। कोर्स आउटकम का मतलब ये होता है कि आप ये कोर्स पढ़ने के बाद क्या कर सकते हो, ओके, व्हाट इज द आउटकम ऑफ लर्निंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। जैसे कि आपको पता है कि आप डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, एंड स्टिल दिस कोर्स इज गिवन टू यू विद द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके। सो व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ दिस कोर्स, दैट इज समथिंग यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर टू लर्न दिस पर्टिकुलर कोर्स, ओके। ये जो प्रोसेस है आपका लर्निंग का, ये सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और ये पढ़ने के बाद हमें क्या हासिल करना है। तो सबसे पहले इफ यू आर लर्निंग दिस कोर्स, आफ्टर लर्निंग यू शुड बी एबल टू रिकॉल बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिसिटी में सेफ्टी का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। एज यू सी यू कैन एक्सपीरियंस द प्रेशराइज्ड गैस, pressurized water or liquid, you can experience the chemicals, hazardous chemicals, but in case of electricity you cannot see that electricity whether it is flowing or not, you are not in a position to identify whether the objects are live, you can just experience that electricity and then it will affect you, you will become a victim, and for that purpose you should be in a position to recall all the बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड कंसेप्ट। रिकॉल मतलब क्या कि अगर आपको किसी ने बताया आगे जाके आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स रिगार्डिंग द अर्थिंग और रिगार्डिंग द डिफरेंट कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न, तो आपको वो याद आने चाहिए, आपको वो समझ में आना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट आउटकम वी शुड बी लुकिंग फॉर। ऑल्सो वी शुड बी लुकिंग फॉर द कंसेप्ट रिलेटेड विद द सेफ्टी, ओके। तो ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज वॉट एवर वी आर लर्निंग देयर शुड बी आउटकम ऑफ इट, ओके, एंड ये आपके माइंड में भी होना चाहिए। सेकंड आपका जो आउटकम है CO2 जिसको हम बोलेंगे वो है आइडेंटिफाई डिस्क्राइब एंड अप्लाई वेरियस कंसेप्ट्स एंड टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बिना कोई भी जो प्रोसेस होता है वो कम्प्लीट नहीं कर सकते, अदरवाइज मैनुअल इफोर्ट्स का लिमिटेशंस आ जाता है, ओके। सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स दैट टाइम व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद इट, व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द कंट्रोलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एंड व्हेन वी आर सिलेक्टिंग दोज इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर आवर रेगुलर यूसेज, एंड फॉर दैट टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से मशीन का वो पार्ट है, किस तरह से वो काम में आता है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर्स है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स है। तो ये सारी चीजें आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आनी चाहिए। तो दिस इज द आउटकम नंबर टू। थर्ड आउटकम जो है दैट इज आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वेरियस मेथड टू यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल या जो कन्वेंशनल फ्यूल से बनी हुए मशीन से ही काम चलता है, बहुत जगह पे हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वी वांट टू यूटिलाइज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पर कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, कौन से हम जरिया है हमारे पास जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करेंगे, एंड डेफिनेटली जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो इफिशियंसी है वो किस तरह से ज्यादा रहेगा। तो ये सारी चीजें हम CO3 मतलब हमारा जो थर्ड कोर्स आउटकम है उसमें देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड CO वी हैव अनदर 3 CO विच आर रिलेटेड और डेडिकेटेड टू द सेकेंड सेक्शन। नाउ फर्स्ट सेक्शन इज डीलिंग विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग which is taught by me, Rohan Homkar, and the section 2 will be taught by Pachkavde sir, and he will be looking after for the electronics part, okay. So in electronics, what are the different basic terminologies you should know,
that is covered in CO4, that is, describe the working characteristics of electronic devices. There are n number of electronic devices and how they work, what is their symbol, how to draw a circuit diagram for them, how exactly they work, what is their characteristics. So these all things will be covered in CO4. CO5 is related with the power supplies which are actually using the electronic components, and they are called as the rectifiers, filters and other power supply equipments. Now the fifth CO is draw circuit diagram and understand the operation of rectifier, filter, regulated power and unregulated power supply, as well as UPS, that is uninterrupted power supply. So these all will be covered under section 2. Okay, I hope this is clear to you up to now. And last one, that is CO6, is a apply an analysis of digital electronics, number system and working of different logic gates. So if you have a data where you can use the different number systems, number which are related with the digital electronics, that all things will be covered in the CO6. So hame ye subject kyu padhna hai, usme kya kya padhenge hum, ye agar aapko samajh mein aaya hai to aapka enrollment number chat box mein likhiye. Everyone type your enrollment number in the chat box. So I consider all of you have understood why we are supposed to learn this subject, and now we are going to study the first chapter. The first chapter name is Electrical Power System. Okay. Now if you heard the word power, and again that power is associated with the electricity. So electrical power. Ye word sunne ke baad, ya fir इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सुनने के बाद आपके माइंड में कौन से कीवर्ड्स आते हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए. यस, सर्किट डायग्राम, करंट, पैनल, डूइंग वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी, यस मिस्टर काजी, यस. नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, यूपीएस. ओके, बैंक्स में या हॉस्पिटल्स में, मेडिकल सिस्टम्स में यूपीएस का काफी इम्पोर्टेंट है. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ग्लैंड केबल फॉर इलेक्ट्रिकल. ओके, स्विच गियर, यस. बटन, स्विच, बैटरी, कंसोल, यस. टावर केबल और टावर अलग से, केबल अलग से, यस. करंट, वोल्टेज, एसी, डीसी, यस. समवन में थिंक ऑफ मिक्सर, माइक्रोवेव, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्लायंसेस, या सबस्टेशन, बिपिन, राइट. संदीप इज ऑल्सो राइट. पावर केबल, कंट्रोल केबल्स, यस. मोटर, यस. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ये पावर सिस्टम वगैरह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का लंबा लंबा बिल बिल आता है ना हर महीना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो भी एक पार्ट है ये सिस्टम का. यस, ट्रांसफार्मर, स्विचेस, मोटर, एनर्जी मीटर यू कैन थिंक ऑफ, रेलवे ट्रेन्स, वेल्डिंग मशीन, यस. डीजल जनरेटर, केबल ट्रे. बिपिन यादव कहाँ पे काम करते हो, वेर यू वर्क, कॉन्ड्यूट्स, गुड. कंसल्टेंसी सर, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी. ओके, गुड गुड. सो बेसिकली जब हम पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं और इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स है पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो हमें ये सब्जेक्ट में इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. सो आर यू ऑल एग्री विद दिस, आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, दैट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस सब्जेक्ट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. सो इफ यू आर विद मी एंड इफ यू एग्री एंड इंटरेस्टेड, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन. So today we are going to start this subject with the concept of generation, transmission and distribution of electrical power. So this is what we are going to see today, learn today, understand today. What exactly the electric power is, that you all know. You know about the voltage, you know about the current, you know about there are long transmission lines, some the railways are working on it in the house. We are using buttons, we have switches, everything is there. So you all know that basic thing. Now what we are going to learn is the very important, why electricity is generated away from the local areas. Any one of you,
why don't we have a local generating station at each house or at each building, you can say. So the answer to this question is that when you talk about the electrical power generation, conventional power plants like thermal power plant, hydropower plant, diesel power plant, gas turbine power plant, these all are conventional power plants. And these conventional power plants is having a requirement for the conventional type of fuel. Now this conventional type of fuel is basically demanding the storage area, the area where you can burn these particular fuels and convert the chemical energy from that fuel into the electricity. And if you do it in the piece by piece manner, there will be a problem of efficiency. And because you want to do it in a highly effective, highly efficient manner, you have to do it in a large scale. So those power plants which are situated like thermal power plant, hydro power plant, and those power plant like gas turbine power plant, these all are in the range of megawatts. And those plants are located away from the populated places where you have the maximum number of people living, and they are affecting the lives because of the particular pollution they cause, because of the material they need to travel, like raw material. And these all disadvantage of having those plants at your doorstep is avoided, and they are having a super efficient plants situated away from the local areas. Local areas are basically the consumers like you and me, which are staying in the cities or the rural area, where we are actually consuming our electricity for the domestic purpose as well as for our industrial purpose. So I know that this particular generating power stations are having different names. So how many of you have gone through this, like how many types of power plant you know? Just type in the chat box. कौन-कौन से power plants के नाम आपने सुने हैं? Yes, so we have nuclear power plant, NTPC thermal power plant, hydro power plant. Ankita say yes. Okay. Bhagyashri also say yes. Kashi say hydro. Wind power plant, yes. Malhotra, Kundan Kumar, yes. Wind power plant, yes. Good. So basically, moving ahead with this, so if we consider this particular power plant, power stations, Sudarshan, abhi enrollment number bhej rahe ho, abhi join hue kya? Theek hai, anyways. So good. Diesel fired power plant, yes. Avinash, perfect. So ये जितने भी पावर प्लांट हमने देखे, वहां पे एक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर. दैट जनरेटर इज बेसिकली कन्वर्टिंग द रोटेशनल मोमेंट इनटू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज. एंड इट इज बीइंग ड्रिवन बाय अ प्राइम मूवर. व्हाट्स द वर्ड? प्राइम मूवर. एंड बाय विच वे द प्राइम मूवर इज बीइंग ट्राइंग टू मूव द रोटर ऑफ जनरेटर इज डिफाइनिंग, or it is considering the name of that power plant. So how many of you have seen the generator in a power plant or in some location? How many of you have seen the generator? Yes, so this is what we can experience, this type of generator in the thermal power plant. Thermal power plant ke generator hote hai, वो इस स्केल में होते हैं. टू सी द मैन स्टैंडिंग देयर, कैन यू ऑल सी द मैन स्टैंडिंग देयर? यस. सो दैट मैन एंड सी द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर जनरेटर. ओके, स्टीम टर्बाइन एंड जनरेटर. नाउ इफ यू गो फॉर सम स्मॉलर वर्जन, और इफ यू गो सम स्मॉलर वर्जन वेयर द पोर्टेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर, वेयर दिस काइंड ऑफ डीजल जनरेटर आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस. यू कैन सी दिस at the telecom sites, you also see this near the corporate parks. Okay, corporate parks ke yahan pe aisa
ये टाइप के जनरेटर्स होते हैं. ओके, देन ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द एरियाज जहाँ पे ये टाइप के जनरेटर्स भी आपने देखे होंगे जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं. बट इन ऑल द इतना जो भी हमने अभी देखा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है आपका ये जो आपका डायग्राम है ये आपको बताता है कि किस तरह से आपका जो जनरेटर है वो थर्मल पावर प्लांट हो हाइड्रो पावर प्लांट हो इसमें ये काम करता है. सो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कॉजिंग अ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इन दैट वन कॉइल इज बीइंग प्लेस्ड एंड द रोटेशन इज डिपेंडेंट और वी कैन से द रोटेशन इज कॉज्ड बाय द प्राइम मूवर एंड यू कैन सी देयर इज अ वेवफॉर्म देयर. If you can see the pointer, can you see the pointer in the screen? Yes or no? Type in the chat box. Can you see the pointer, the moving pointer? Okay, yes. So that is a waveform, okay, which is generated with the help of this coil, which is moving in the generating station. Now, as you know that this waveform can have its own, own value, like this value can be increased to some extent, and what is that extent? We are calling it as a voltage generated by this particular coil or voltage generated by this generator. So, do you have any guesses about the voltage level? Okay, about the voltage level of these generators may have in the large power station. जो भी लार्ज पावर स्टेशन है उसमें वोल्टेज लेवल क्या हो सकता है, क्या आप गेस करोगे? जस्ट टाइप योर गेस इन द चैट बॉक्स कि कितने वोल्टेज का आपका जनरेटर जो है वो जनरेट करता होगा. एक जवाब आया 430 वोल्ट, जवाब आए तो आपकी तरफ से एक आया 120 वोल्ट, सेम एज ट्रेन केबल. मतलब बस इतने चार पांच ही जवाब मिल रहे हैं मुझे, बाकी लोग गेस नहीं कर रहे हैं या टाइप करने में दिक्कत आ रही है आपको या बस मीटिंग चालू करके किधर भाग गए. 33,000 वोल्ट्स, ओके एक जवाब आया और 25K volts. अगर आपका जवाब उधर किसी ने लिखा भी है तो भी चलेगा, बट यू गिव द आंसर. आपको क्या लगता है, व्हाट्स यू थिंक इट? सो बेसिकली आपके 28 KV. अच्छा ओके, अभी सब लोग ये कर रहे हैं, गुड. एक दो बढ़ा रहे ऊपर नीचे, ठीक है. तो वी हैव दिस वैरायटी ऑफ जनरेटर्स लाइक एज शोन इन हियर 7 types or something or very small to the big one. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि different size and capacity के according इसके जो ratings है वो change होते हैं. So now Chetan says 100 and 200 kVA. Okay, so kVA is something which we call it as a rating or the power. So kVA जो unit है वो आपके power का unit है. And we are talking about the voltage. तो voltage जो है वो है आपका कितना आपका जो जनरेटर है वो कितने वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है. ओके, सो मूविंग अहेड विद दिस, यस वी हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जनरेटर्स लाइक यू कैन सी हियर. मेबी आई हैव जस्ट रिसेंटली सीन दैट इमेज, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू दैट यू माइट हैव सीन द जनरेटर विद अ साइकिल. है ना, साइकिल पे डायनेमो लगाते थे, याद है आपको? अगर आपने साइकिल यूज किया है बहुत पुराने टाइम में तो साइकिल पे डायनेमो लगता था और वो उससे एक लाइट जलता था, ऐसा पुराने जमाने में साइकिल हुआ करता था. तो उस पे जो जनरेटर होता है वो जनरेट करता है सिर्फ 12 volts. ओके, सो 12 volts का भी जनरेटर होता है और 20 kV का भी जनरेटर होता है, 25 kV का भी जनरेटर होता है, 220 kV का भी जनरेटर होता है एंड 700 kV का भी जनरेटर होता है. सो
the variety is starting from 12 volts या उससे कम volts का भी कर सकते हैं 12 to 1200 volts का हम बोल सकते हैं कि 1200 kV तक रेंज है अवेलेबल. So what is more important is that why these different voltage are there, okay? Why there are different voltages are there and what is the use of this particular different voltages, okay? That is what we are going to see. Before that, in a generator, as you see here, there are some important components which you should know. So if you have a notebook there with you, so write down these points. So in a generator, there are these rotor, stator, voltage regulator and housing, bearings. These are the important points which is, we can say that they are components of the electric generator, okay, or alternator rather, where AC electricity is generated. Okay, aage badhte hain. Fir everyone is now gone through with the this generator part. Generator ke baare mein sabko samajh mein aa gaya kya hai, kaise hai, okay. Now for hydroelectric power station, we have a generator like this, which is not a horizontal axis, it is a vertical axis generator, where the turbines are located below the generator, okay. So now there are some types of generators are also there. One is called as a generator with a horizontal axis. So one is horizontal axis generator and another is vertical axis generator. Okay, so now moving ahead with this. So this is something which we are focusing on, okay. So this diagram is something which is very important for us as a electrical engineer or engineer which is who is working with electricity. ये डायग्राम हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है. सो एज वी सी इन द जनरेटिंग स्टेशन देर आर डिफरेंट यू नो जनरेटर्स वी कैन सी द रेंज ऑफ दैट जनरेटर इज फ्रॉम 11 केवी टू 132 केवी. ओके, 11 केवी टू 132 केवी इज द आउटपुट रेंज ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन. तो वहां से हमें ये केवी के रेंज में ये वोल्टेज से हमें जनरेशन अवेलेबल होता है. Now you can see here, there is a, can you just read out the text which is written there? Anyone, kya likha hai yahan pe? 11/132 kV ke niche kya likha hai, immediate niche? Koi read karega? Is it readable by the way? Yes sir, readable. Toh ye kya diya hai yahan pe? Voltage is step up. Voltage is step up to what? To 130 kV, 220 kV, 400 kV, etc. ओके, सो बेसिकली ये जो आपको डिजाइन वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज अ सिंबल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. नाउ द ट्रांसफॉर्मर हैज अ वेरी बेसिक फंक्शन दैट इट इज इंक्रीजिंग द वोल्टेज लेवल और डिक्रीजिंग द वोल्टेज लेवल और इट इज कनेक्टिंग द टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. सो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मर and something you have to do right now is some small calculation, okay. Now why this particular voltage is being stepped up, voltage is stepped up in this case, why it is so, why we have increased the voltage, okay. So just imagine this generating station is having the capacity of 100 watts, okay. Just imagine 100 watts, though it may be ranging from 500 megawatts to 1000 megawatts, but we consider it for a 100 watts. So in your notebook, type 100, not type basically, write 100, okay, I will type. So 100 watts, or we can say 100 VA volt amperes. Now, if the generating voltage is say 10 volt, okay, 10 volt, then what will be the value of current for that amount of power? Because you know, for the electrical power, the formula is very simple, that is voltage multiplied by current. How many of you know this formula? I hope every one of you, right? So now power ke jagah pe hamare paas hai 100, voltage ke jagah pe hamare paas hai 10, what will be the value of current? Definitely, if we do this small maths, the current will also be 10 ampere, right? Perfect. Now, instead of having the 10 volts, we step up the voltage. हमने वोल्टेज को क्या किया,
बड़ा किया और उसको हमने 10 टाइम्स बड़ा कर दिया, मतलब 100 वोल्ट्स, ओके 100 वोल्ट्स. नाउ टू प्रूव द सेम पावर विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड, द करंट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. ओके, करंट इज रिड्यूस्ड. हाउ मेनी टाइम्स इट रिड्यूस? अगेन 10 टाइम्स. सो नाउ ओनली 1 एम्पियर ऑफ करंट नीड टू बी फ्लोन. ओके, इतना समझ में आया आपको? अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? नो, टेक अ बिगर नंबर्स नाउ. सो नाउ आई विल गिव दिस क्वेश्चन टू यू. नाउ वी हैव 500 मेगावाट. ओके, 500 मेगावाट और 500 MVA एंड आवर जनरेटर इज हैविंग 11 केवी. ओके, 11 केवी एज अ जनरेशन वोल्टेज. What will be the value of current? Just calculate and tell me in the chat box. जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको मैं आज कुछ गिफ्ट दूंगा. ओके, सो बस इतने ही लोगों ने ट्राई किया. सबसे पहले किसने जवाब दिया? मिस्टर राजू. तो राजू ने जवाब तो दिया बट आधा ही दिया, तो आपको तो आधा गिफ्ट देना पड़ेगा. सो 45.45 किलो एम्पियर्स बराबर का किलो एम्पियर्स अगर है तो ऐसे कुछ है. लेट्स सी क्या है. अगेन प्राची का भी कुछ आया, संदीप का और ही कुछ आया. तो सबसे पहला जवाब किसका है? करेक्ट जवाब अभिषेक का है. ठीक है, तो अभिषेक को आज कुछ गिफ्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ द क्लास. अभिषेक देशमुख मुझे याद दिलाना. ठीक है, ओके. सो आगे बढ़ते हैं. बाकी लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया? चलो अभी अभिषेक ने तो गिफ्ट जीत लिया, अभी और एक चांस आपको देना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, दिस 11 केवी आप डायग्राम में देख सकते हो, 11 केवी इज बीइंग स्टेप अप टू 132 केवी. बराबर, पहले स्टेज में वहां पे दिख रहा है आपको 11/132 केवी, मतलब 11 केवी को उसने क्या किया है, अभी स्टेप अप किया है वो ट्रांसफॉर्मर ने. और मैं ऑडिबल टू यू बाय द वे? ओके ओके, अभिषेक से यस, सब लोग को सुनाई दे रहा है, परफेक्ट. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो 11 केवी का जो वैल्यू था वोल्टेज का, वो अभी बन गया 132 केवी. अभी मुझे बताओ कि करंट कितना रहेगा फॉर 500 मेगावाट ओनली, 500 मेगावाट एंड 132 केवी. ये डिटेल्स है. नाउ टेल मी करंट क्या रहेगा. जल्दबाजी नहीं करना है, प्रॉपरली आंसर ढूंढना है, प्रॉपर यूनिट के साथ लिखना है. बस एक ही जवाब आ रहा है अभी तक. तो मेगावाट के बारे में क्या कंफ्यूजन है हमारे पास? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे. एक मेगावाट मतलब 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मच वाट्स? 1000 वोल्ट्स नहीं, 1000 वाट्स नहीं, 1000 वोल्ट्स नहीं, 750 वाट्स नहीं. कुछ तो कंफ्यूजन है. ठीक है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है. बेसिक का प्रॉब्लम है. ठीक है, ठीक है. 1 मेगावाट 2 वाट. ओके, हाँ देखो ये 1 मेगावाट है तो इतने सारे वाट हो गए, मतलब एक पे कितने जीरोस है? 6 जीरोस. ओके, 1 मेगावाट मतलब एक पे 6 जीरो. एक को हमने रिप्लेस किया अगर 500 से, तो ये कितना बनेगा? 5 के ऊपर 8 जीरो, मतलब एक की जगह पे सिर्फ क्या लिखना है. ठीक है, अंडरस्टूड? सो 500 के ऊपर दिस इज योर वाट, और वाट्स के लिए वोल्टेज क्या है हमारे पास? 132 केवी, किलो वोल्ट्स मतलब 1000 वोल्ट्स, मतलब 3 जीरोस. ओके, और अभी मुझे बताओ कि इसका वैल्यू क्या आता है, कितने एम्पियर्स वैल्यू आता है? 1 केवी इज 1000 वोल्ट. ओके, तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है आपको? ओके, सो ये जो है आपका 3.78 जो है, दैट इज किलो एम्पियर्स. ओके, तो 3.78 किलो एम्पियर ये हो गया आपका करंट वैल्यू. ओके, और पहले करंट वैल्यू क्या आया था हमारे अर्लियर केस में? 45 कुछ किलो एम्पियर आया था, राइट? लेट्स सी व्हाट वाज दैट, कैलकुलेट करते हैं. डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट द आंसर, 45,454, मतलब 45 किलो एम्पियर्स यू कैन से फॉर अर्लियर केस. ओके, 45 किलो एम्पियर्स. एंड इन अर्लियर नेक्स्ट केस व्हाट वी आर हैविंग, some nearly 3.7 or 4 kiloamp you can say. Can you see the difference in the ampere? Now just imagine, we'll search for cable cross section for 45 ampere. Okay, 45 ampere. Kiloampere to baad mein dekhte hain.
अप्रोक्सीमेटली देखते हैं हम लोग कितना लगेगा, ठीक है, 45 एम्पीयर के लिए कितना लगेगा, लेट्स सी. तो यहाँ पे देखो वी हैव सम 17.5 एम्पीयर के लिए 1.5 mm स्क्वायर का वायर जो है वो सफिशियंट है, राइट. और वही 17 का ऑलमोस्ट डबल हो गया, और यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है. ओके, तो सी अगर 150 एम्पीयर के लिए कुछ है क्या हमारे पास, 15 सबसे लोएस्ट है ना, सॉरी 17 है ना, तो हम लोग ये भी पकड़ लेते हैं, 15 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 15 सबसे लोएस्ट है. और 150 कहाँ पे है, समझ लो यहाँ पे है 170. अभी 171 एम्पीयर के लिए 70 mm स्क्वायर का हमें क्या लगेगा, वायर लगेगा. ओके, और 15 के लिए वही वायर कितने का है, 1.5 square mm का. तो जितना करंट का रेटिंग बढ़ेगा उतना आपके वायर का डायमीटर, जो वायर का जो साइज है वो बढ़ेगा. ये कितने लोगों को समझ में आया, मैं क्या आपको पढ़ाना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है आपको? तो बिकॉज वी हैव इंक्रीज द वोल्टेज जनरेशन होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हमने ये ट्रांसफॉर्मर को यूज करके इसका वोल्टेज बढ़ाया. इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमारा ये जो पावर प्लांट है ना वो किधर, नागपुर चंद्रपुर उधर है, लॉन्ग दूर है. ओके, और वो यहाँ से पावर हमें यहाँ तक कंज्यूमर तक, मतलब मुंबई तक लेके आना है. और अगर बीच में रास्ते में ही इतना सारा नुकसान हो गया तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, लॉसेस में ही खत्म हो जाएगी. ये समझ में आया एवरीवन? सो नाउ टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर लॉसेस, वो लॉसेस को कम करने के लिए हमने इनिशियल स्टेज पे क्या किया, इसका वोल्टेज जो है वो 11 केवी से लेके 132 केवी तक क्या किया, स्टेप अप किया. इतना समझ में आया एवरीवन? आई होप सो. एंड बिकॉज नाउ वी हैव इंक्रीज द वोल्टेज, करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. एंड बिकॉज द करंट की वैल्यू कम हो गई, जो हमें इतना बड़ा कंडक्टर लगने वाला था वो अभी थोड़ा सा छोटा कंडक्टर भी हम क्या कर सकते हैं, चंद्रपुर से लेके मुंबई तक ट्रांसमिशन उसका कर सकते हैं. मतलब जो टॉवर्स आपको दिखते हैं ऊपर, जिसका वायर अब काफी छोटा रहता है, आप देखेंगे उसको तो बोलेंगे यार इतना छोटा वायर है इसका. ऐसा भी है कि वो ऊपर है, बहुत दूर ऊपर है तो छोटा दिखता है, ऐसा भी है. और ये भी एक रीजन है कि जिससे, इसकी वजह से जो सपोर्ट्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, जो सपोर्ट्स होते हैं, वो जो ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट्स होते हैं, इसकी भी अपनी खुद की एक कैपेसिटी होती है. ओके, और एंड दैट पर्टिकुलर सपोर्ट्स विल बी लेस कॉस्टली इफ यू आर यूजिंग द हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज. हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज अगर यूज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड देन वी रिक्वायर्ड अ लेसर हेवी स्ट्रक्चर्स, मतलब इनका जो वजन है वो कम रहेगा तो भी चलेगा, उनका जो कैपेसिटी है वो, दे आर इन अ कैपेसिटी टू हैंडल दैट मच ऑफ वेट. ओके, इतना समझ में आया आपको, आई होप सो, राइट. तो ये टाइप के जो टॉवर्स रहते हैं इनपे छोटे छोटे वायर्स क्या हो जाएंगे, काफी आसानी से हम जितना डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस हम लेके जा सकते हैं. ओके, इतना क्लियर हुआ. कमिंग बैक टू अवर मेन टॉपिक नाउ, ये 132 केवी पे हमने इसे क्या किया, ट्रांसमिशन के लिए तो यूज किया. मुंबई में भी समझो ये पावर आ गया 132 केवी पे, तो क्या हमारे कस्टमर्स जो है, हमारे घर पे जो ये जो अपना लैपटॉप चल रहा है, मोबाइल चार्जर चल रहे हैं, राउटर चल रहा है वाईफाई का, ये सब क्या 132 केवी पे चलेंगे? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? डेफिनेटली नो. यस, काजी सेज नो, मल्होत्रा आल्सो सेज नो, राजू सेज नो, प्राची, सागर, सब लोग नो कह रहे हैं, बराबर. बट अगर आपको मैं बताऊंगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो भी 230 वोल्ट पे नहीं चलता है, वो मेयरली 5 वोल्ट पे चलता है, और आपका जो चार्जर है इट इज ऑल्सो अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. जो आपके पास चार्जर होता है आपके घर में, आपके पास वो क्या करता है, 230 वोल्ट जो डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, उसे भी वो 5 वोल्ट पे क्या करता है, स्टेप डाउन करता है आपका चार्जर. सो डू यू थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, एवरी वन ऑफ यू, राइट. सो सिमिलरली ये हमें अभी क्या करना पड़ेगा, टू डिस्ट्रीब्यूट. ट्रांसमिशन तो हो गया, हमने चंद्रपुर से मुंबई तक क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी लाया, बट वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मुंबई में कहां पे दी जाएगी, क्या वो सिर्फ साउथ बॉम्बे को दी जाएगी,
क्या वो सिर्फ घाटकोपर एरिया को दी जाएगी, क्या वो थाने को दी जाएगी या बोरिवली को दी जाएगी, तो वहां पे आता है रोल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो रिसीविंग स्टेशन पे यही पावर हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन मतलब 132 केवी पे तो ट्रांसमिशन लाइन से पावर आता है एंड देन इट इज स्टेप डाउन टू द वैल्यू ऑफ 33 केवी। 33 केवी तक क्या हो जाता है आपका, ये जो वैल्यू है वो कम होता है। कैसे कम होता है, अगेन बाय यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द ट्रांसफॉर्मर, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, सब लोग ने देखा है ट्रांसफॉर्मर। यस, दीज ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। बहुत लग रहा है ट्रांसफॉर्मर देखना है। Let me show you something. ट्रांसफॉर्मर का इम्पोर्टेंस ये है कि ट्रांसफॉर्मर हर जगह पे इस्तेमाल होता है। ओके, एवरीवेयर, जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ट्रांसफॉर्मर वहां पे लगता ही लगता है। रिसेंटली आई बीन टू अ ट्रेक और वो ट्रेक पे गया था मैं, यहाँ पे कलसू भाई, नाम सुना है आपने कलसू भाई, कलसू भाई सुना है आपने, महाराष्ट्र में है, वहां पे गया था मैं ऊपर। सो इवन ऑन द कलसू भाई ट्रैक के ऊपर भी मुझे ट्रांसफॉर्मर दिखा। कैन यू सी द फोटो, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मर जो है वो हर जगह पे हमें काम में आता है बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। नाउ यू कैन सी दिस ट्रांसफॉर्मर विच इज नियर टू द लोड सेंटर, मतलब यहाँ पे कोई ऊपर लोड है कुछ, जैसे कि वॉटर पंप है या कुछ लाइटिंग के लिए यूज हुआ है। तो दिस इज द वेरी लास्ट स्टेज ऑफ योर पावर सिस्टम। ओके, अगर हम ये पावर सिस्टम की बात करेंगे तो दिस ट्रांसफॉर्मर इज लाइक इन दिस कैटेगरी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। कैन यू सी माय पॉइंटर हियर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। यस, तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो काम में आता है। नाउ गोइंग अहेड फ्रॉम दिस लेवल रिसीविंग स्टेशन के बाद, तो मुंबई में पावर आ गया। मुंबई से अभी हमें उससे क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब जैसे जैसे रेलवे स्टेशन से वैसे हमें अभी क्या करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके बाद जो 33 केवी टू 11 केवी आया तो रीजन बन गया, मतलब ना चंद्रपुर से मुंबई तक पावर आया, फिर मुंबई से वो तीन चार रीजन में डिवाइड हो गया। साउथ बॉम्बे को एक गया 33 केवी का, देन इट गो टू द बोरिवली वेस्टर्न साइड, देन वन गो टू बांद्रा, वन गो टू थाने, वन गो टू घाटकोपर, लाइक दैट 33 केवी वाला लाइन गया। ठीक है, ये जो साइड में आपको लाइन दिख रहे वो वहां पे पावर आपका ट्रांसमिट हो गया। देन एट 33 केवी टू 11 केवी, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन में एवरीवेयर यू विल फाइंड द स्टेप डाउन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जाएगा एंड उसके ब्रांचेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो टाइप दिस सेंटेंस इन द चैट बॉक्स, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड लेसर नंबर ऑफ वोल्टेज। ये कहां पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। ओके, मोर ब्रांचेस, लेसर नंबर ऑफ वोल्टेज और लोअर नंबर ऑफ वोल्टेज, लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यस, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। विदाउट ट्रांसफॉर्मर दिस इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट, सो ट्रांसफॉर्मर में वी हैव अ प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर, लैमिनेटेड कोर, एंड एट द सेकेंडरी वाइंडिंग इज एक्सपीरियंसिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड ईएमएफ इज जनरेटेड एंड दैट ईएमएफ इज कॉजिंग अ करंट विच विल ड्राइव द लोड। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके, कमिंग बैक टू द पावर सिस्टम डायग्राम, इन दिस डायग्राम नाउ वी हैव केम फ्रॉम थाने, थाने से लेके हम लोग अभी आए मुलुंड, भांडू, कांजूरमार्ग, इस तरह से। ओके, तो वहां पे 11 केवी का लाइन चला गया, 11 केवी का लाइन चला गया। हाउ मेनी ऑफ यू स्टे इन भांडू और मुलुंड, कितने लोग रहते हैं भांडू या मुलुंड में, जस्ट रेज देयर हैंड। रेज हैंड फीचर है ना आपके इसमें गूगल क्लासरूम में, जेवियर का हैंड रेज्ड ही है दो टाइम से। ओके, एनीवन हु स्टे नियर थाने, कोई भी, जस्ट रैंडम।
हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना तो आई डोंट नो कौन कहाँ रहता है, अदरवाइज आई यूज टू रिमेम्बर ये राजू कहाँ रहता है, ये बिपिन कहाँ रहता है. ओके थाना मुलुंड भांडुप में कोई नहीं रहता है. लेट्स सी मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टे नियर घाटकोपर. अच्छा ये अविनाश ने अभी हाथ उठाया है. अविनाश कहाँ रहते हो? अविनाश एंड मोहिता स्टे नियर बाय. ओके अच्छा कौन सा भांडुप या थाना. अभी ये दोनों के यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो हम लोग क्या करेंगे, 11 केवी का जो लाइन है वो एक भांडुप की तरफ जाएगा एंड एक आपके अविनाश के यहाँ पे जाएगा. ठीक है मुलुंड के यहाँ पे जाएगा समझो. और वहां पे वी विल बी हैविंग दिस ट्रांसफॉर्मर, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. ओके एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो 11 केवी टू 415 केवी का जो ट्रांसफॉर्मर है वहां से फिर नियर बाय बिल्डिंग्स को हम क्या करेंगे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. तो वहां पे फीडर करके एक कंसेप्ट रहता है जहां से वो फीडर से हम अलग अलग बिल्डिंग्स को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. नाउ कुछ बिल्डिंग्स ऐसे होते हैं जैसे कि कल्पतरु या रुनवाल ग्रीन्स या रुनवाल ऑलिव या जो भी बिल्डिंग्स है बड़े बड़े, वहां पे यू रिक्वायर्ड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, हाई अमाउंट ऑफ पावर. तो वहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है वो हर एक बिल्डिंग में हर एक विंग के लिए इंस्टॉल किया जाता है एंड दे आर रिसीविंग द पावर एट हायर वोल्टेज. तो वो कस्टमर्स क्या करते हैं एचटी सप्लाई ऑप्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से एंड देन दे डिवाइड दैट पावर टू देयर वेरियस कंज्यूमर्स. इतना क्लियर हुआ सबको? आई होप सो दिस लेक्चर इज बीइंग इंटरेस्टिंग टू यू ऑल. सो लेट मी शो योर इंटरेस्ट. ओके लेट मी फील ऑल्सो कि मेरे स्टूडेंट जो है वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम. सो दिस डायग्राम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज पर द सिलेबस इज कंसिडर्ड. सो आपके नोटबुक में मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. और अगर कोई होशियार बच्चे है मेरे क्लास में तो उन्होंने ये डायग्राम पहले ही अपने नोटबुक में निकाला होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाला होगा. कितने लोग हैं ऐसे स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है या फिर ड्रॉ करके रखा है? मुझे पता है आपका क्लास काफी अच्छा है. गुड 6-7 स्टूडेंट्स आर देयर. गुड स्क्रीनशॉट निकाला है. ओके सो मेक श्योर यू ड्रॉ इट ऑल्सो स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर आपके मोबाइल को भी स्मार्ट बना देगा. आप भी ड्रॉ करेंगे तो आप भी स्मार्ट बन जाएंगे. ठीक है सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स. ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. अभी आप बोलेंगे सर हम तो हमारे घर पे बैठे हैं या ऑफिस में हैं, हम ड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा? सो पता चलेगा क्योंकि अभी आपको कुछ जो अटेंडेंस वगैरह देना है तो अटेंडेंस में आपको डायग्राम का फोटो भी अपलोड करना है. ठीक है तो मेक श्योर यू ड्रॉ इट विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स. आई विल टेक योर लीव फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स. ओके आई विल जॉइन बैक एट आफ्टर 2 मिनट्स. आई होप द डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन. वंस यू डन विद द डायग्राम ड्रॉइंग टाइप डन इन द चैट बॉक्स. Done in the chat box. Okay, good. So most of the students have done it. Rohan ka shayad sabse pehle ho gaya. Rohan, Xavier, Dachi, Mahendra, Atul. Good. So moving ahead with this, काफी interesting topic है. Electricity generate हो गया है, consumer तक पहुंच भी गया है. अभी consumer के पास बहुत सारे options है. उसके पास अभी जेब में पैसा भी है, उसने AC भी लगाया है अपने घर पे, माइक्रोवेव भी है, वॉशिंग मशीन भी है, एयर फिल्टर भी है, एयर क्लीनर क्या आता है आजकल नया क्या है वो, एयर प्यूरिफायर भी है, वैक्यूम क्लीनर भी है, सब उसने जो जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. हाँ इलेक्ट्रिक कार भी ले लिया उसने. तो ऐसे करके वो यूजर का कंज्यूमर का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया. नाउ द कंज्यूमर वॉन्ट्स मोर एनर्जी. नाउ यू नो कि हमारा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमेशा ये रहता है, कोशिश रहता है कि हम इफिशियंसी इंप्रूवमेंट करके ही कोई भी काम करे, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसका इफिशियंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को क्या करना रहता है, हमेशा इंप्रूव करना रहता है, बढ़ाना रहता है. ओके सो इसके लिए सिंगल फेज सप्लाई उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसे अभी चाहिए 3 फेज सप्लाई. और हमारे सिलेबस में भी है 3 फेज सप्लाई. तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि 3 फेज सप्लाई होता क्या है, सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई में क्या डिफरेंस है, एंड जो आपका सिंगल फेज सप्लाई है उसके क्या लिमिटेशंस है, एंड 3 फेज सप्लाई में कौन से टाइप के कनेक्शंस है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट बिफोर दैट एज यू सीन इन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर देयर वाज ओनली वन कॉइल, राइट, जो हमने पहले डायग्राम देखा था
वो डायग्राम में सिर्फ एक ही कॉइल था, देयर इज ओनली वन कॉइल, ओके, एंड दैट वन कॉइल हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, वो जो एक कॉइल था उसके कितने टर्मिनल थे, फोर टर्मिनल, कहां से लाए विपिन, अपने भी दो जोड़ के दिए क्या, एक कॉइल के कितने टर्मिनल रहेंगे, दो टर्मिनल रहेंगे, सागर इज राइट, सो एक कॉइल बनता कैसे है, एक वायर से बनता है, समझ लीजिए कि अगर ऐसा एक ये है, ये समझो एक कॉइल है, एक सर्कल है, पकड़ लीजिए आप सर्कल है, तो इसके दो टर्मिनल हो गए लाइक दिस, ओके, बाकी लोग ने जवाब ही देना बंद कर दिया क्या, ठीक है कोई नहीं, आपका जवाब सही है तो सही बोलेंगे सर, गलत है तो सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप गलत कैसे हो सकते हो, ठीक है, सो एक कॉइल है उसके दो टर्मिनल है, नाउ सिमिलरली दोज कॉइल क्या हो रही है, घूम रही है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मेजर करना है देन ऑल्सो वी रिक्वायर्ड टू टर्मिनल्स, राइट, दो टर्मिनल के बीच में ही हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे, राइट, यस और नो, ओके, सो सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द थ्री फेज पावर सप्लाई जिसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से होती है, लाइक यू कैन सी हियर, इस तरह से ये वेवफॉर्म होती है, ओके, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री, तो दिस फेज इज हैविंग फ्रॉम द सिंगल कॉइल, सिंगल कॉइल से क्या है, दो टर्मिनल बने हैं, तो तीन कॉइल से कितने टर्मिनल बनने चाहिए, लेट मी शेयर दिस टैब विद यू, इज इट विजिबल टू यू ऑल, सिक्स होना चाहिए, राजू इज परफेक्टली राइट, अगर हमारे पास तीन कॉइल है तो छह टर्मिनल होने चाहिए, बट बिकॉज यू कैन सी इन दिस वेव फॉर्म ऑल द थ्री मैग्नेट्स और यू कैन से ऑल द थ्री कॉइल्स आर नॉट हैविंग देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम इंस्टेंस, जो आपको एक्स एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है दैट इज फॉर टाइम, यहाँ पे टाइम लिखा है नीचे देखो राइट साइड में टाइम दिख रहा है आपको, यस yes. तो एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और एक ही टाइम पे एक ही समय पे आपका तीनों फेजेस कभी भी मैक्सिमम नहीं रहता है या कभी भी तीनों जो है वो हमारा कभी भी आपका क्या है एक ही टाइम पे नहीं रहता है, इतना क्लियर हो गया एवरीवन, आई होप सो, ये समझ में आया, सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये तीनों फेजेस का जो मैक्सिमम वाला जो पार्ट है, मतलब इसका जो एक टर्मिनल है वो हम हमारे सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे, एंड जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरा टर्मिनल हम क्या करेंगे तीनों कॉइल्स का एक साथ जोड़ के उसका न्यूट्रल फॉर्म करेंगे, ये समझ में आया आपको, यहाँ पे जो नीचे पॉइंट दिख रहा है आपको एक ब्लैक कलर का लाइन चालू हो रहा है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल, ओके, और ये तीनों कॉइल्स का एक टर्मिनल हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, इट मींस जब भी हमारा थ्री फेज सप्लाई में देखेंगे अगर ब्लू वाला है वो अगर मैक्सिमम में है तो रेड एंड ग्रीन जो है वो हाफ ऑफ द माइनस में रहेगा, देन फेज टू का टॉप देखिए, फेज टू का हाईएस्ट पॉइंट जब है तब फेज वन एंड फेज थ्री का हाफ ऑफ द नेगेटिव में है, एंड जब फेज थ्री का पॉजिटिव में है तो फेज टू एंड फेज वन का हाफ नेगेटिव में है, इसका मतलब जब भी हम कोई एक सेकेंड ऐसा कंसिडर करेंगे तो वहां पर तीनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो एडिशन जीरो हो जाएगा, आर यू विद मी, ये जीरो वाला समझ में आया फंडा, अगर एक ही समय मैं तीनों फेजेस के वैल्यू को अगर ऐड करूंगा तो वो तीनों का जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कैसे, इधर भी एक जगह पे आप एक स्केल लगाओ, समझो स्केल हमने लगाई जहां पे फेज वन का मैक्सिमम वैल्यू है, समझो 120 मैक्सिमम वैल्यू है, तो 120 पॉजिटिव और यहाँ पे रेड एंड ग्रीन देखो उसी के नीचे है 120 के हाफ मतलब 60 पे, दोनों माइनस 60 है, तो आपको मैं एक मैथमेटिक्स देता हूँ, 120 उसके बाद है आपका माइनस 60 एंड अगेन यू हैव माइनस 60, ये तीनों का एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा जीरो, समझ में आया, ओके, सो एट ए टाइम हम कोई भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे तो थ्री फेज सप्लाई में उनका जो सम रहेगा वो रहेगा हमेशा जीरो, और यही कंसेप्ट को यूज करके वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कनेक्शन अरेंजमेंट, जहां पर आपका ये जो तीनों टर्मिनल्स है वो एक साथ जोड़ के उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, उसे हम जीरो वोल्टेज पे जो टर्मिनल है वो जीरो का काम करता है यहाँ पे, एंड
the L1, L2 and L3 will have its peak value. Peak value मतलब क्या? जो सबसे टॉप वाला वैल्यू है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक 120 डिग्री के डिफरेंस में आपको आपके सर्किट को अवेलेबल हो जाएगा. इतना समझ में आया? ओके, यस और नो? यस, इफ मैं यस ही समझू आपकी तरफ से. ओके, नहीं समझा है तो इमीडिएटली यू आस्क. ओके, उससे हमारे दो फायदे होंगे. एक तो मुझे समझेगा कि आपको ये पॉइंट नहीं समझा है, और सेकंड आपको वो पॉइंट समझ में आएगा, और थर्ड बेनिफिट जो बोनस है वो है कि वो समझना उसी वक्त जरूरी है, अदरवाइज फिर सब वो लेक्चर खत्म हो गया, फिर आपके माइंड में और दूसरे कुछ थॉट्स आ गए और कुछ आपका शेड्यूल में अलग काम आ गया, वो फिर आप भूल जाएंगे. तो जो भी डाउट्स है वो इमीडिएटली क्लियर करना जरूरी है. इमीडिएटली आपको वो क्या करना है, चैट बॉक्स में पूछना है. ठीक है, ओके, परफेक्ट. सो अभी थ्री फेज सप्लाई है हमारे पास. सो थ्री फेज सप्लाई में चलने वाली मोटर को हमने कनेक्शन दिया है. ओनली थ्री फेज अप्लायंसेस आर नीडेड, ऐसा नहीं है. हम लोग ये थ्री फेज में से इंडिविजुअल फेज एंड न्यूट्रल को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ सिंगल फेज सप्लाई. सो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया है. एंड ये टाइप का जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज स्टार कनेक्शन. तो आपके नोटबुक में लिख लीजिए स्टार कनेक्शन, STAR स्टार कनेक्शन. ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, और इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया तो भी चलेगा. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं आपको अलग सा देता हूँ, थोड़ा इजी वाला देता हूँ. ओके, सो नाउ इफ यू काउंट द नंबर ऑफ वायर्स विच आर अवेलेबल हियर, दे आर रिसेम्बलिंग फोर वायर्स, राइट? द रेड वन, द ब्लू वन, द येलो वन एंड द ब्लैक वन. सो दिस ऑल फोर वायर्स एंड द थ्री फेज. सो एज अ शॉर्टकट यू कैन से इट इज अ थ्री फेज एंड फोर वायर सिस्टम. व्हाट इज द वर्ड? थ्री फेज एंड फोर वायर सिस्टम. सो नाउ आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम. लेट मी ओपन दिस टैब फॉर यू. ओके, सो नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम. वो जो पीछे बल्ब दिख रहा है दैट इज अ वॉटर मार्क, उसको नहीं ड्रॉ करना है. जो ये रेड कलर में दिख रहा है, ब्लू में है, येलो में है, एंड दिस एन न्यूट्रल. ठीक है, पीछे का बल्ब नहीं ड्रॉ करना है. सो आई गिव यू वन मिनट टू ड्रॉ इट. एंड दिस इज कंसिडर्ड एज थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, एंड दिस इज डेल्टा इज कॉल्ड एज अ थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम. ओके, थ्री फेज थ्री वायर, थ्री फेज फोर वायर. ओके, draw this diagram in your notebook. Okay, so most of the students have done with the drawing. Good. So ये काफी important point है हमारे लिए कि three phase supply में three wire and three phase supply में four wire system को समझना. अभी हम अगर बात करेंगे electrons की, तो red phase में जो electron high potential पे गया है उसे zero potential पे लाने का जो रास्ता है वो न्यूट्रल के जरिए तो मिल रहा है. बट अगर हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की, तो जो रिटर्न पाथ होता है, मतलब जैसे अभी आप किसी बिल्डिंग के अंदर गए और वहां से आप फिफ्थ फ्लोर पे गए, तो कभी ना कभी आपको घर जाना पड़ेगा ना, तो आपको फिफ्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आना पड़ेगा. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी हाई वोल्टेज पे जाने के बाद उसे वापस जीरो वोल्ट पे आना होता है, और उसका जो रिटर्न पाथ है वो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में हम न्यूट्रल के जरिए वापस आ सकते हैं. बट डेल्टा में ऐसा ही करने के लिए उसे वाई फेज के जरिए आना होता है, मतलब आर फेज से आपका अगर सर्किट चालू हो गया तो वो खत्म होगा वाई फेज पे. ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैव टू कंसीडर अगेन द वेवफॉर्म. वेवफॉर्म अगर हम देखेंगे तो फेज वन के लिए फेज टू रिटर्न पाथ बनेगा, फेज टू के लिए फेज थ्री रिटर्न पाथ बनेगा, एंड देन फेज वन थ्री के लिए फेज वन रिटर्न पाथ बनेगा. ओके, सिमिलरली फेज वन के लिए फेज टू, फेज टू के लिए फेज थ्री के लिए फेज वन, ऐसे ये चलता रहेगा जब हम बात करेंगे थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम की या फिर डेल्टा कनेक्शन की. सो नाउ आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू फॉर द होमवर्क.
Now you will be surprised कि सर होमवर्क भी देते हैं. Yes, तो होमवर्क देना जरूरी है क्योंकि आपको सिर्फ ये लेक्चर में जो पढ़ाया गया है या फिर जो सिलेबस में है उससे अलावा भी आपको कुछ खुद से करना जरूरी है. So that you will have that zeal to learn, zeal to understand new concept. मराठी में या संस्कृत में जिसको बोलते हैं जिज्ञासा, वो आप में रहनी चाहिए. आपको हर जगह पे ये जहां पर भी दिखेगा उसको आपको समझना चाहिए कि यस ये हमने सीखा था. तो इसके लिए होमवर्क क्वेश्चन आप लिख लीजिए. What is the difference between स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन. What is the difference between स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन. ओके, तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. तो होमवर्क क्वेश्चन लिख के हुआ आपका, आपके नोटबुक में लिख लीजिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन. ओके, सो हम इतना सारा जो बात कर रहे हैं अभी तक इस मोमेंट तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो आपने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, राइट? बहुत सारी कुछ नए चीजें आपको आज इंट्रोड्यूस किए होंगे. तो आपको ऐसे क्या क्या याद रहता है आज के लेक्चर में कि हमने ये कुछ सीखा है, वो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आज हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, क्या क्या आपको नया समझ में आया. ओके, टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस, सो वी हैव सो मच ऑफ आंसर्स. यस, वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स टुडे, बट आई थिंक वी फॉरगॉट समथिंग. हमारा कुछ सीखना बाकी रह गया और उसे हम अभी पूरा करते हैं. हमने इतना जो भी इंफॉर्मेशन देखा, जैसे कि अभी मैं कुछ देखता हूँ कि आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे आज. प्राची ने सीखा सिंगल लाइन डायग्राम, अतुल ने सीखा सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट स्टेप टू स्टेप लोकेशन, अच्छा, टाइप ऑफ कनेक्शन थ्री फेज जनरेटर एप्लीकेशन कंज्यूमर जनरेटर सिंगल फेज थ्री फेज 1 kV मतलब कितना वोल्ट, ये सीखा. गुड, थ्री फेज वायरिंग डायग्राम देखा, प्लांट इंफॉर्मेशन देखा, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम देखा, थ्री फेज वायर देखा, हाउ टू कैलकुलेट करंट देखा, टाइप ऑफ जनरेटर देखा, यस बहुत कुछ सीखा हमने आज. गुड, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में देखा, करंट कैलकुलेट करने को देखा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, टाइप ऑफ जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, थ्री फेज वायर, बहुत कुछ सीखा है आप लोगों ने. ट्रांसफॉर्मर, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन. ओके गुड, तो इतना सब जो हमने सीखा ना, दैट वॉज रिलेटेड विथ, एनीवन वुड लाइक टू कंप्लीट माय सेंटेंस. जो भी हमने आज सीखा, इट वॉज रिलेटेड विथ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. जनरल आंसर, इलेक्ट्रिकल जनरल आंसर. आई वॉन्ट स्पेसिफिक आंसर. लेट्स सी कौन दे पाता है आंसर. अच्छा, आपको गिफ्ट भी देना है ना, दो लोग को. पावर जनरेशन, पावर ट्रांसफर, पावर. नहीं नहीं नहीं, हमने अभी तक जो भी सीखा इट वॉज रिलेटेड विथ. कंप्लीट द सेंटेंस. और जो जो बराबर जवाब देगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा. इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर 1 chapter. अच्छा, स्मार्ट आंसर, फर्स्ट चैप्टर में से सीखा. अच्छा नहीं नहीं, दैट वाज नॉट अ गुड आंसर. अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया. सो वॉट एवर वी हैव लर्न टूडे, वो भी हमने अभी तक पढ़ा, इट वॉज रिलेटेड विद द अल्टरनेटिंग करंट. ओके, इट वॉज रिलेटेड विद द एसी सप्लाई. बट वी हैव नॉट स्टडीड समथिंग अबाउट डीसी. डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और डीसी सप्लाई, यू कैन से. सो एसी सप्लाई के बारे में हमने इतना सारा पढ़ा, डीसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन अवर हैंडहेल्ड डिवाइसेस और वॉच और आपका मोबाइल फोन या बहुत सारी जगह पे वी आर यूजिंग डीसी सप्लाई. सिमिलरली आपका जो ट्रेन्स या ट्रैक्शन के बारे में बीच में कोई बोल रहे थे, तो वो भी है आपका डीसी सप्लाई पे चलने वाला था, अभी बहुत जगह पे उसको एसी में कन्वर्ट किया. तो डीसी सप्लाई का भी इम्पोर्टेंस है काफी ज्यादा. एंड वी हैव टू लुक इन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि हमें अल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ डायरेक्ट करंट के बारे में भी कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, समझनी चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द एसी सप्लाई एंड डिफरेंस बिटवीन द डीसी सप्लाई. ओके ओके, सो एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई में हम देखते हैं कि क्या है ये कंसेप्ट. विद द स्मॉल
डायग्राम, ये एक डायग्राम है जिससे हमें इजीली पता चलेगा कि एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। सो अगर हम वेवफॉर्म की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमारा है टाइम और वाई एक्सिस पे है हमारा वोल्टेज या फिर करंट। सो वोल्टेज एंड करंट टाइम के साथ किस तरह से वैरी होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शन है हमारे सप्लाई के। इफ योर सिस्टम इज डिजाइंड टू हैंडल अल्टरनेटिंग करंट, इट मींस द सिस्टम इज नोइंग, सिस्टम इज एक्सपेक्टिंग द वेरिएशन इन द वोल्टेज एंड द करंट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फैशन ऑफ द वेव विच इज इन द ग्रीन कलर। ओके, जो ग्रीन कलर में वेव है उसके जैसे आपका वोल्टेज एंड करंट के वैल्यू में चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें देखने को मिलेगा। If we call for the direct current, there is no variation in the value of voltage or current. It will always same. And then it is called as a direct current. Now, if you are using an inverter or a, rectifier and a filter with you, and that time you will be getting a pulsating value of voltage. Okay. And last one is a variable, which is you don't have any control on the waveform of that supply. So we are more focused now for the direct current and alternating current. So direct current ki agar hum baat karenge to hum direct current ke examples hamare daily life mein use karte hai, like dry cells, batteries which we'll use in the vehicles, like two wheeler mein jo battery hoti hai, आपके फोर व्हीलर में जो बैटरी होती है वो, आपके टॉर्च में जो बैटरी होती है वो, आपके मोबाइल में जो बैटरी यूज होती है वो, दीज ऑल आर कंज्यूमिंग डायरेक्ट करंट, ऑल आर कंज्यूमिंग डायरेक्ट करंट। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट विच वी शुड सपोज टू डिस्कस एंड लर्न फ्रॉम दिस। ओके, सो दिस इज वॉट फॉर टूडे एंड डीसी सप्लाई एंड एसी सप्लाई। सो देयर इज अनदर question for you, that is question number 2. This is a homework question. In this question also you have to identify, you have to look for is the difference between the AC supply and DC supply. Okay, difference or comparison of AC supply and DC supply. Okay, this is what we have covered, the first section of our chapter number 1. Okay, so यहाँ तक किसी को कुछ doubt है, homework question समझ में आया है, classroom अगर आपने किसी ने अभी तक join नहीं किया है तो ये link मैंने आपको दिया है, तो वहाँ पे Google classroom को join कर लीजिए।